हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय शिंदे, और आज हम बात करेंगे कि ड्रग के सॉल्ट फॉर्म्स होते क्या है। तो ये सॉल्ट फॉर्म वर्ड आपने केमिस्ट्री में नोटिस किया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट फॉर्म्स होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्ट फॉर्म? तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक ड्रग लिया जिसे मैं अब रिएक्ट करूँगा किसी एक सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट के साथ। तो ये सारे के सारे सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट है, हाइड्रोक्लोराइड, सिट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोराइड। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिट्रेट के साथ मेरा ड्रग रिएक्ट किया तो मुझे ये प्रोडक्ट मिला, ड्रग जो कि जिसने सिट्रेट के साथ कंपाउंडिंग की है। तो ये हुआ सॉल्ट फॉर्म ऑफ दिस ड्रग। तो ये हुआ सॉल्ट फॉर्म। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाई देर इज अ नीड टू फॉर्म सॉल्ट फॉर्म ऑफ एनी ड्रग। तो बेसिकली कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनकी सेफ्टी कम होती है या फिर इफिकेसी कम होती है, तो उन ड्रग की सेफ्टी और इफिकेसी बढ़ाने के लिए हम ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उसके पीछे का रीज़न है। तो और कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंटेस्टाइन तक पहुंचते भी नहीं, तो उन केस में भी हम ड्रग को किसी सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो जो डाइजेशन होता था स्टमक में वो स्किप करके इंटेस्टाइन तक रीच करे और बायोअबिलिटी इंक्रीज करे। तो इस वजह से हम ड्रग को सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उसकी सेफ्टी, एफिकेसी या फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो अब हम ऐसे ड्रग डिस्कस करेंगे जिनको हमने किसी सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो हेयर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटफॉर्मिन ड्रग। तो ये मेटफॉर्मिन ड्रग टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ किया जाता था। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि डायरिया, वीकनेस, ओमिटिंग। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थे, इसके वजह से हमने इसको किसी सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये इसका सॉल्ट फॉर्म है, दैट इज़ मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो जब हमने इसको सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसकी सेफ्टी, इफिकेसी और स्टेबिलिटी तीनों बढ़ गए और ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते। दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट दिस मेटफॉर्मिन इनटू द मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये हुआ मेटफॉर्मिन के बारे में। अब नेक्स्ट है नैप्रोक्सेन। तो ये बेसिकली पेन रिलीफ एंड इन्फ्लेमेशन के केस में यूज़ किया जाता था और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि अपसेट स्टमक, हेडेक, डिजीनेस। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए इसका हमने सॉल्ट फॉर्म क्रिएट किया जो है नैप्रोक्सेन सोडियम। तो बेसिकली हमने इसे एक कैटायन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम के साथ, और इसका हमने ये सॉल्ट फॉर्म तैयार किया जिसमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते। तो ये हुआ नैप्रोक्सेन के बारे में। नेक्स्ट इज पाइरिडॉक्सिन। तो पाइरिडॉक्सिन हम एज अ जिन पेशेंट में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है उन पेशेंट में हम पाइरिडॉक्सिन प्रेफर्ड करते हैं जिनमें ये कॉम्प्लिकेशंस थे, व्हाट? सेंसरी नर्व डैमेज एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो अगर कोई पेशेंट है जो कि विटामिन B6 डेफिशिएंट है, अगर उस पेशेंट ने पाइरिडॉक्सिन एडमिनिस्टर्ड किया तो उसके जो सेंसरी नर्व्स थे वो डैमेज होते थे और उसे भूख भी नहीं लगती थी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। दैट्स वाई वी कन्वर्ट दिस पाइरिडॉक्सिन इनटू इट्स सॉल्ट फॉर्म, दैट इज पाइरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये इसका सॉल्ट फॉर्म है जो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करता। तो ये हुआ पाइरिडॉक्सिन के बारे में। नेक्स्ट इज सिल्डेनाफिल। तो ये सबको पता है, इट इज यूज इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे लाइक हेडेक, ओमिटिंग, फीलिंग सिक। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने इसका सॉल्ट फॉर्म क्रिएट किया जिसका नाम है सिट्रेट सॉल्ट ऑफ सिल्डेनाफिल। तो बेसिकली हमने इस सिल्डेनाफिल को रिएक्ट किया है सिट्रेट के साथ और उसका सॉल्ट फॉर्म क्रिएट किया है टू इंक्रीज इट्स सेफ्टी, इफिकेसी एंड स्टेबिलिटी। तो ये हुआ सिल्डेनाफिल के बारे में। देन नेक्स्ट इज फ्यूरेसेमाइड। तो बेसिकली दिस फ्यूरेसेमाइड यूज इन हाई ब्लड प्रेशर। तो ये बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन देगा। तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि मसल क्रैम, ड्राई माउथ, फीलिंग कंफ्यूज्ड। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने इसे एक कैटायन, दैट इज सोडियम के साथ रिएक्ट करके इसका सॉल्ट फॉर्म तैयार किया जिसे हम कहते हैं फ्यूरेसेमाइड सोडियम। तो ये सॉल्ट फॉर्म ये कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करता है। तो ये हुआ फ्यूरेसेमाइड के बारे में। नेक्स्ट इज फिनिटोइन। तो ये सबको पता है फिनिटोइन इज यूज एज इपिलेप्सी और इसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जैसे कि स्किन रैश, कंस्टिपेशन। तो इसे ओवरकम करने के लिए हमने इसका सॉल्ट फॉर्म क्रिएट किया, दैट इज फिनिटोइन सोडियम। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट सोडियम से ही क्रिएट किए हैं, तो ये भी है फिनिटोइन सोडियम। नेक्स्ट इज इंडोमिथासिन। तो इंडोमिथासिन स्वेलिंग और पेन के केस में यूज़ किया जाता था जिसके कॉम्प्लिकेशंस थे कि ये
गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग करता था, तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड सॉल्ट फॉर्म दैट इज अर्जिनिन लाइसिन ऑफ इंडोमिथासिन। तो हमने इस इंडोमिथासिन को अर्जिनिन और लाइसिन के साथ रिएक्ट करके इसका सॉल्ट फॉर्म तैयार किया है, तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट इज बुपिवाकेन। तो बुपिवाकेन एक लोकल एनास्थेटिक है जो स्मॉल सर्जरीज के अंदर यूज किया जाता है। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस थे एंजाइटी और अबनॉर्मल हार्ट रिदम, दैट्स वाई वी क्रिएट इट्स सॉल्ट दैट इज बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो जो भी इंजेक्शन या फिर लिक्विड फॉर्म के मेडिसिन है उन्हें हम बेसिकली हाइड्रोक्लोराइड में ही कन्वर्ट करते हैं, और जो सॉलिड फॉर्म में है उन्हें हम सोडियम के सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली बुपिवाकेन को हमने कन्वर्ट किया है बुपिवाकेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन में। तो ये सॉल्ट फॉर्म ये कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम कर देगा।